हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लासेस में हमने ये क्वेश्चन किया था। 13 पॉइंट हमने 31 क्वेश्चंस किया था। 13.31। अब ये इस क्वेश्चन में आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस पूछी गई है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस पूछा गया है। और मैंने इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला हुआ था, म्यू निकाला था। तो कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस दैट इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय म्यू इनटू 100। दिस इज द कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिस एंड डिवाइडेड बाय दिस। तो हमने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला था और ये भी निकाला था, और कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस इस तरह निकाल लेंगे। ठीक है ना बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट एग्जाम्पल आपका बचा हुआ है, वो एग्जाम्पल है आपका क्या है, यहाँ पे है एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल्स विद मीन 100 है और 80 रेस्पेक्टिवली। तो इसका म्यू वन आपको 100 है, म्यू टू आपका कितनी है 80 है, स्टैंडर्ड डेविएशन वन, या यहाँ पे एक्स रख सकते हैं, यहाँ पे वाई रख सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का आपका 4 है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई आपके पास 3 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एंड वाई, डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एंड वाई, ये एक प्रॉपर्टी से डिपेंड करता है। वो प्रॉपर्टी है एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी। और एडिशन प्रॉपर्टी में हमको क्या करनी है, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल्स विद मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस एज दिस एंड दिस, दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, देन जेड एक्स प्लस वाई, जेड एक्स प्लस वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसमें क्या होता है, मीन को हम क्या करते हैं, ऑल्सो फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन। तो मीन में यहाँ पे क्या होगा, मीन को दोनों को ऐड कर दीजिएगा, मीन एक्स प्लस मीन वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का एक्स स्क्वायर होता है। तो मीन ऑफ एक्स एंड वाई क्या हो सकता है, मीन ऑफ एक्स एंड वाई क्या हो सकता है, एक्स प्लस वाई क्या हो सकता है, आपको मीन एक्स प्लस मीन वाई दैट इक्वल टू 100 प्लस 80 दैट इक्वल टू 180। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो सकता है, रूट अंडर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का एक्स स्क्वायर दैट इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 4 का एक्स स्क्वायर प्लस 3 का एक्स स्क्वायर दैट इक्वल टू यहाँ पे 16 प्लस 9 दैट इक्वल टू 25 दैट इक्वल टू 5। ये हो सकता है, ये आपका हो सकता है 5। ठीक है ना, तो मीन 180 एक्स प्लस वाई का होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 5 हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पे आपको मीन 180 निकाली गई है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 निकाला गया है। ठीक है, तो इस तरह मैंने सारी एग्जांपल आपका कंप्लीट किया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट क्लासेस से हम क्या करेंगे, सी पार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।